अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं क्वाड बिहाइंड। मेरे साथ राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। बात करेंगे इंपैक्ट प्लेयर्स पे, गेम चेंजर्स पे। एक जी ओपनिंग बैट्समैन आए, सब कॉन्टिनेंट से आए, बाएं हाथ से खेलते थे, लेफ्ट हैंडेड। वो लगता ये था कि उन्होंने रॉड डाले हुए अपने फोर आर्म्स में, जितने वो तगड़े थे और जितनी जोर की वो शॉट मारते थे। और आप कह सकते हैं नॉट इन कहीं से भी हम कंपेयर ना भी करूं विव रिचर्ड से, तो एक इनमें वो थी, एक एबिलिटी थी जी जो अट्रैक्ट कर लेते थे क्राउड को, और कुछ यूनिक सी चीज। 96 के वर्ल्ड कप में पिंच हिटिंग का कॉन्सेप्ट, वो ग्रिप का बदलना, बॉल को स्कूप करना, और 50 रन चार ओवरों में हो रहे हैं, उस वक्त वो समझ नहीं आता था। और टेस्ट क्रिकेट में इक्वली आउटस्टैंडिंग, इन्होंने 110 टेस्ट मैच खेले जी अपने मुल्क के लिए, 6973 रन, जिसमें 14 सेंचुरियां, 340 इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया। ये वो मैच था कोलंबो में जहाँ पे 952 कर दिया था श्रीलंका ने, और इसमें वो एक इनके खेले थे नलेश कुलकर्णी स्पिनर, उन्होंने पहली गेंद पे विकेट ली थी और उसके बाद फिर वो ढूंढते रहे और इन्होंने 340 किया। रोशन महानामा के साथ इनकी एक 550 रन की वो जो पार्टनरशिप हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 445 वनडे इंटरनेशनल राशिद और 28 सेंचुरियां वनडे इंटरनेशनल में, 189 हायस्ट। छक्के मारने के बेताज बादशाह, कट बहुत जोर की मारते थे। 13,430 वनडे रन, 14,819 फर्स्ट क्लास रन, 16,128 लिस्ट ए क्रिकेट में रन, 29 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां, 31 लिस्ट ए की सेंचुरियां, 28 वनडे इंटरनेशनल की सेंचुरियां, 14 सेंचुरियां इनकी टेस्ट मैचेस में, 98 आउट इनके टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें, और वनडे में तो इनकी 323 आउट भी हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ, 205 इनके फर्स्ट क्लास में बिकते हैं, 413 लिस्ट ए में बिकते हैं। इससे बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सिंगापुर में आपने इनको भुगता हुआ है। आ जाए अब आप सनत जय सूर्या। सर, ये जब श्रीलंका की टीम आई थी पाकिस्तान 89 था शायद, उसमें इन्होंने दो डबल श्रीलंका भी जिसमें दो डबल सेंचुरियां की थी, और वहां से इनका नाम काफी हो गया था। लेकिन ये डेवलप बहुत देर में हुए, देर में मतलब के इनका जो एवरेज है अगर आप अगर देखते हैं 32 का है फिनिश करने के बाद अपने कैरियर, तो काफी अर्से तक इनका तो 21-22 का ही रहा। तो लेकिन श्रीलंका में ये एक पॉजिटिव चीज थी कि जो इस प्लेयर को वो लेके आते थे तो वो लंबाई ही खेलता था और प्लेयर बन जाता था। मार्विन अटापाटू की मिसाल सामने ही है, 4-5-0 करने के बावजूद फिर उनको खिलाया, फिर 6 डबल सेंचुरियां की उन्होंने। तो सनत जयसूर्या एज ए बॉलर भी अगर देखा जाए, इनका नाम ऑलराउंडर की वजह से ज्यादा हुआ। फिर 96 में जो पिंच हिटिंग शुरू की है इन्होंने, वॉटमोर थे इनके कोच गालिबन, लेकिन राणा टूंगा इनके मास्टर माइंड थे, अरविंदा डिसिल्वा और कालू वितराना और जयसूर्या से अटैक जो करवाया है वहां से बहुत पॉपुलर हो गए। एक डैमेजिंग प्लेयर, एक इम्पैक्टफुल प्लेयर, एक गेम चेंजर जो है वो बन के सामने आए। और उसके बाद से अगर आप देखें ग्राफ इनका नीचे नहीं गिरा, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो। और जो हमारे खिलाफ सिंगापुर में वर्ल्ड कप के बाद जो मारा था उन्होंने आमिर भाई के एक ओवर में, शायद 4 छक्के 1 चौका 2 1 दुक्का 31 रन शायद बनाए थे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस वक्त। 5 ओवर में अपने 50 रन किए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। फिर अगले मैच में सेंचुरी की, आगे पीछे मैच थे सेंचुरी की, वो फास्टेस्ट सेंचुरी थी जो कि 48 बॉल पे शायद गालिबन उन्होंने बनाई थी। और क्या बल्ले से बॉल निकलती थी, सिंगापुर छोटा था, छोटा ग्राउंड था, पार्क था वो, लेकिन वो बल्ले से बॉल निकलती थी। एजाज भाई तंग आ गए थे एक में ना, वो बस बॉल फेंकते थे लाके बाहर थे ना, बाहर से रोड पे जाती थी, रोड से कोई फेंकता था एजाज भाई के पास, एजाज भाई फिर रोल करके फेंकते थे। तो वो मैच हम जीत भी गए थे, पता नहीं क्यों ये लोग हार गए थे श्रीलंकन वाले, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप और मासूम और पता नहीं क्यों। अच्छा जी जी जी, लेकिन यार अच्छे प्लेयर थे, मजा आता देखने में इनको। आप इनकी एवरेज से खुश हो या ना हो, 74,352 वोट लेके मात्रा से ये बने थे एमपी, सियासतदान है, मिनिस्टर भी रहे। और इनका आपको एक इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाता हूँ राशिद।
ये जब आए ना हमारे गेस्ट थे इसमें गेम ऑन में पीटीवी स्पोर्ट्स में, तो जावेद भाई लेजेंड हमारे हमारे साथ थे, तो आपको पता है जावेद भाई का वो ना इनको बैट पकड़ के तो स्टांस में कहते थे कि तेरी ये गलती है, इन्होंने दो तीन दफा तो सुना, चौथी दफा कहते हैं जावेद आई एम रिटायर्ड, और मैं उन्हीं के कहते ना तेरी ये गलती थी, फिर इन्होंने सुना और माना कि हाँ ये मेरी गलती तो थी। तो डिलाइटफुल करेक्टर, एक छह चार्जर मोबाइल रखे होते थे, ऑन स्क्रीन भी शुरू हो जाते थे, मोबाइल पे मैसेज आ रहे होते थे, जब मैं इनको तंबीह करता था तो कहते थे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज कॉलिंग मी, बहुत मजे का करेक्टर। वहां पे जो बड़ा प्लेयर होता है पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो ये श्रीलंका में होता है, छोटा सा मुल्क है, कोलंबो में क्रिकेट होती है ज्यादातर, अब तो कैंडी वगैरह दूसरी जगहों पे शुरू हो गई है, तो मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो कोलंबो से और पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है उनका। एज ए प्लेयर बात करते हैं, इन्होंने दुनिया के हर हिस्से में जाके, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, हर जगह परफॉर्म किया हुआ है, और खौफ आता था इनसे, ऐसा नहीं है कि हमें भी खौफ आता था, लेकिन हमारे पास बॉलर ऐसे थे कभी कभार मार जरूर लगती थी लेकिन पकड़े जाते थे, वसीम भाई हो, विक्की हो, या शोएब हो, या स्पिनर्स हो, लेकिन जिस दिन नहीं पकड़े जाते थे उस दिन ये डैमेज करते थे, बहुत बड़ा डैमेज करते जाते थे टीम को। क्या था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी, बैट स्पीड थी, क्या था, ये फिनोमेना था, वैसे था तो फिनोमेना, बहुत जोर की मार थे। जो इनके पैड शॉट थे डॉग वो मुश्किल थे, मुश्किल शॉट थे, कि बीच की बॉल को मिड विकेट मार देना और थोड़ी सी बाहर, और रूम इनको दिया, कट बहुत अच्छा था, तो कट और पुल अगर जिसका तेज बॉलर दुनिया में डोमिनेट जो करते हैं तेज बॉलर करते थे, इनको आगे से जो सीम करता था ना, आगे से अंदर लेके आता अंदर वाली बॉल, उसको भी हमने पकड़ा बाद में, पकड़ा कि यार अंदर लेके आओ इसकी तरफ, तो आप आखिर मतलब आखिर क्या 96 वर्ल्ड कप के बाद या सिंगापुर के बाद देखें, मोस्टली ये पॉइंट पे कैच आउट होते थे, इनको रूम नहीं देते थे, तो मुश्किल होती थी इनको, वो चाहे वो शमी बॉल कर रहा है या कोई भी बॉल कर रहा है, वसीम भाई कर रहा है, और या तो इनको अंदर लेके आओ, और नहीं और आगे से अंदर लेके आओ, विक्की ने बहुत आउट किया, फिर वसीम भाई ने आउट किया, इनको अंदर लेके आया जाए, अंदर वाली में इनको थोड़ा सा था कि गैप बहुत बनने लगा था, लेकिन फिर भी ये मैनेज कर जाते थे अपने आप को। और यार बल्ले कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते थे जिनके बल्ले से लगती बॉल निकलती थी, तो उनमें से ये एक खास प्लेयर थे, फिर इनकी फील्डिंग, उनकी स्पेशली बॉलिंग 300+ इनकी विकेट्स है, हम तो बैट्समैन जानते हैं ना, 323 जैसे आपने बताया 323 विकेट्स हैं इनकी, उसमें ओडीआई में और टेस्ट मैच में भी इनकी तकरीबन 98 विकेट्स हैं, बॉलर मैच जीते हुए हैं, ये एज ए बॉलर मैन ऑफ द मैच हुए हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट इन्होंने 6 आउट किए हुए 23 रन देके। अगर आप वर्ल्ड कप 96 में जाएंगे, इंडिया के साथ इनका मैच था जो ऑब्वियसली वो दंगे शंगे हो गए थे, वहां पे इन्होंने 3 आउट किए थे इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, 7 ओवर में 12 रन देके, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बॉलर भी बहुत यूटिलिटी बॉलर थे, बॉलर अच्छे थे आप बिल्कुल, क्योंकि लगता नहीं था, वो पेस कुछ वेरी करते थे, क्योंकि शोल्डर में जान थी कि आप निकलने के लिए जा रहे हो, जोर जोर से मार देते थे, तो उनके साथ यूसुफ बहुत अच्छा खेलता था, उनको यूसुफ इंजॉय करता था, जो मैंने देखा कट अच्छी मारता था, और मिड विकेट क्योंकि ब्रेक होती नहीं थी तो उसके फुटवर्क अच्छा था, तो बहुत तंग यूसुफ ने किया, यूनुस ने किया, इंजमाम ने किया, हमारे प्लेयर ने काफी तंग किया इनको, लेकिन बाद दूसरे टीम के खिलाफ देखे इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बॉलिंग में, तो जो 98-96 के वर्ल्ड कप जीतने में मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार तनुज जयसूर्या कर रहा है। और जाते जाते भी वो बाल तो खैर मेरी तरह थे सनत के, लेकिन चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर अच्छे नहीं रहे भाई, वो अच्छे नहीं रहे, कौन भी आई नहीं 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 मैं आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये छोड़ गए उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसमें हफीज ने रन किए सीरीज में, पाकिस्तान 5 ओडीआई जो हुए थे, जिसमें उमर गुल आखिरी मैच आके खेला था बैक इंजरी के बाद, उसका 12 शुरू के मैच पाकिस्तान 3 जीत गया था, 2 हारा पाकिस्तान, और तीसरा मैच भी 324 शायद चेस करने थे, वो भी कर गए थे, बिल्कुल न्यू टीम थी वो, और तनुज जयसूर्या ने बनाई थी, जब टीम खड़ी हो गई उसके बाद भाई ने रिजाइन किया और फिर चला गया, फिर इनके पास इल्जाम लग गए मैच फिक्सिंग के, आईसीसी ने कुछ पाबंदी वगैरह लग गई थी, तो इनका करियर भी थोड़ा सा डॉजी रहा बाद में। अच्छा एक चीज बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये मात्रा से आए थे और इन्होंने कोलंबो में जब कयाम किया तो इनको एक मुस्लिम घराने में रखा गया, और ये वहां पे जब अपनी क्रिकेट खेलते थे तो ये मुझे बताते होते थे कि इन्होंने रोजा रखने की भी कोशिश की, और ये कभी कभी रोजा रखते थे जब इनको गुड फॉर्च्यून चाहिए होती थी, तो एक डिलाइटफुल लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर सनत जयसूर्या। गॉड बियाइंड,
रिकॉर्ड बिहाइंड।